पायसम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज रेसिपी इज अ साउथ इंडियन खीर रेसिपी जिसे हम पायसम बोलते हैं। पायसम एक ऐसी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है जिसमें ना तो हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम शुगर यूज़ कर रहे हैं और ना ही हम घी यूज़ कर रहे हैं। तो एक हेल्दी एंड यम्मी वाली खीर रेसिपी है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी जो रेसिपी मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाई है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट टेम्प्टेड। सबसे पहले प्रोसेस के लिए हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बनाने के लिए रफली चॉप कोकोनट लिया है एक, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। एक कप जितना पानी टोटल हमें लगेगा, बट वो धीरे धीरे करके ऐड करना है, पूरा एक साथ ऐड नहीं करना है। जैसे ही हमें लगे कि एक थिक पेस्ट जैसा बन गया है कोकोनट का, तो उसको हम कॉटन के कपड़े के अंदर डाल के बहुत ही अच्छे से छान लेना है हमें उसे। सिर्फ छानना नहीं है, लिटरली हमें उसको स्क्वीज कर करके उसमें से मिल्क जो है वो निकालना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने शो करी है आपको। और ये जो बचा हुआ कोकोनट है कपड़े के अंदर, उसको भी हम फेंकना नहीं है। दूसरी बार ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी है, क्योंकि एटलीस्ट दो बार तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते हैं तो ही उसमें से पूरा का पूरा जो है कोकोनट मिल्क हम अच्छे से निकाल पाएंगे। और हमारी जो खीर यानी कि पायसम हम बनाने वाले हैं, उसके लिए यही कोकोनट मिल्क हम यूज़ करेंगे। तो सेम प्रोसेस मैंने फिर से रिपीट कर दिया यहाँ पे। अगेन उसको हम एक वही कॉटन के कपड़े के अंदर डाल के स्क्वीज करके अच्छे से जितना बचा हुआ कोकोनट मिल्क है वो भी हम स्क्वीज करके निकाल लेंगे। आप कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, जिसे आप पनीर या वो सब बनाने के लिए यूज़ करते हो, वो वाला कपड़ा बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद उसको बहुत अच्छे से स्क्वीज कर लिया है हमने अगेन, तो हमारा ढेर सारा फ्रेश कोकोनट मिल्क रेडी है। तो अवर नेक्स्ट स्टेप इज खीर। खीर बनाने के लिए हमने 2 कप जितना पानी यहाँ पे लिया है, और वो पानी को हमें अच्छे से उबालना है। साथ साथ में 1 कप जितनी मूंग दाल जो है उसे मैंने सोक करके भिगो के रखी हुई थी, वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। मूंग दाल को उबलते हुए पानी में ऐड करनी है और उसे बहुत ही अच्छे से बॉयल होने देना है। पूरी तरह से कुक करना है उसको, तो कवर कर दिया है हमने। और ढकने के बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे से पानी में उबाल आ रहा है। और वो उबाल आने के बाद आपको थोड़ी देर बाद चेक कर लेना है कि ये दाल प्रॉपरली कुक हो चुकी है या नहीं। वैसे भिगोई हुई दाल है तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुक होने में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुक हो चुकी है, तो सिर्फ 2 चम्मच जितने साबूदाना जो है वो भी मैंने सोक करके रखे थे, उसको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। और 1 चम्मच जितनी रवा, बारीक वाली जो सूजी आती है वो हमने लिया है यहाँ पे। बारीक रवा यानी कि बारीक सूजी यहाँ पे ली है हमने। अभी ये स्टेज पे हम ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क जो हमने फ्रेशली बनाया था वो वाला। कोकोनट मिल्क के अंदर ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हम कुक करने रख देंगे ढक के। तो कोकोनट मिल्क का जो फ्लेवर है वो भी हमारी मूंग दाल, साबूदाना और रवा के अंदर एकदम प्रॉपरली बैठ जाएगा। जैसे ही उसमें एक आध उबाल आ जाता है अच्छे से, वैसे ही हम गैस की फ्लेम को लो करने के बाद उसको अच्छे से मिला लेंगे। एंड ये स्टेज पे हम ऐड करेंगे बाकी के फ्लेवर्स, जो है कि इलायची पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना गुड़ भी ऐड कर दिया है। देखिए हम यहाँ पे शुगर ऐड नहीं कर रहे, गुड़ ऐड कर रहे, तो गुड़ की वजह से उसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। ढकने के बाद ढक के उसको फिर से थोड़ा पकाना है। एंड गर्मा गर्म पायसम इज रेडी टू सर्व। ठंडा करके भी खा सकते हैं और गर्म भी उतना ही टेस्टी लगता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ हेल्दियर टू। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर से उसे ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एन्जॉय अदर रेसिपीज़ टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you next time.